हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगेन रियोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको ऑलरेडी पता है नॉन न्यूटोनियन फ्लो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली आपका होता है प्लास्टिक फ्लो, नेक्स्ट होता है आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, एंड लास्ट वन होता है आपका डायलेटेंट फ्लो। तो आज के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओनली प्लास्टिक फ्लो। सो लेट अस बिगिन अबाउट द टॉपिक। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो क्या होते हैं? प्लास्टिक फ्लो को हम बिंघम बॉडीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक साइंटिस्ट थे बिंघम, जिन्होंने प्लास्टिक फ्लो के बारे में बताया था, इसलिए हम प्लास्टिक फ्लो को बिंघम बॉडीज भी कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक फ्लो को शो करते हैं, उन टाइप के मटेरियल्स को हम बिंघम बॉडीज भी कहते हैं। अब बिंघम बॉडीज फेल्स टू फ्लो व्हेन लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? ये कहना है क्या मतलब है कि अगर हम बिंघम बॉडीज पे या फिर ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करते हैं उन पे अगर हम कम स्ट्रेस अगर लगाते हैं तो क्या होता है? तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसके फ्लो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, तो वो नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा। और अगर हम इसी और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो लीनियर इंक्रीज होगा। तो यहां पे यही कहा गया है, एज इंक्रीज द स्ट्रेस लीड्स टू नॉन लीनियर इन शेयर, बट रेट आफ्टर द कर्व विल बी लीनियर इन विच कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे इसमें जो कर्व हम बनाते हैं, रियोग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें जो कर्व हमें ऑब्टेन होगा वो ओरिजिन से नहीं पास होगा। द सब्सटेंस बिहेव्स इनिशियली, तो सब्सटेंस जो पहले इनिशियली ऐसा बिहेव करेगा उसके बाद कर्व लीनियर हो जाएगा और वो न्यूटोनियंस लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है, मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स अबव द यील्ड वैल्यू। तो मूवमेंट जो होगा इसमें अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा, यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, तभी इसमें इनके फ्लो में मूवमेंट होगा। मतलब जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, तभी इनके मटेरियल्स में फ्लो और मूवमेंट की पॉसिबिलिटी तभी होती है। सो सबसे पहले हम प्लास्टिक फ्लो का रियोग्राम देख लेते हैं। रियोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने y एक्सिस पे रेट ऑफ शेयर लिया है और x एक्सिस में शेयरिंग स्ट्रेस लिया है। अब यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक फ्लो के अकॉर्डिंग आप अगर इनिशियली कम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी फ्लो में डिफॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। और धीरे धीरे अगर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ में आप देखते हैं कि लीनियर पोर्शन आपको दिखाई देता है और यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर इस को अगर हम एक्स एक्सिस पे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा प्लॉट जो किया है एक्स एक्सिस पे, तो जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है इसको हम क्या कहेंगे? यील्ड वैल्यू।
सो यहाँ पे आप यही देख सकते हैं द लीनियर पोर्शन एक्स्ट्रा प्लॉटेड इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। तो जो पॉइंट हमें ऑब्टेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड वैल्यू। सो बिंघम बॉडी फ्लो ओनली व्हेन व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस एक्सीड टू यील्ड वैल्यू। तो यहाँ पे आप इसको यही देख सकते हैं कि बिंघम बॉडीज या फिर प्लास्टिक मटेरियल तभी फ्लो करते हैं जब हम इसका शेयर स्ट्रेस एक्सीड करते हैं टू द यील्ड वैल्यू। सो यील्ड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन डिस्पर्जन। तो द रेसिप्रोकल ऑफ मोबिलिटी इज प्लास्टिक विस्कोसिटी। सो बिंघम बॉडीज तभी फ्लो करते हैं जब हम शेयर स्ट्रेस को एक्सीड करते हैं यील्ड वैल्यू से ज्यादा, तब बिंघम बॉडीज फ्लो करते हैं ऐसे मटेरियल्स। और इसके एग्जाम्पल हैं जिंक ऑक्साइड इन मिनरल ऑयल, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, सर्टेन पेस्ट एंड पेंट्स। तो ये एग्जाम्पल्स हुए आपके प्लास्टिक फ्लो के। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिसिटी या एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। कोई भी सस्पेंशन है या कोई भी ऑइंटमेंट है जिसमें फ्लॉक्यूल्स हैं, वो एज अ एग्जाम्पल की तरह हम ले लेते हैं। तो इसको देखते होता क्या है मैकेनिज्म में, इसमें फ्लॉक्यूल्स हैं, ये फ्लॉक्यूल्स हैं हमारे, जब हम इस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जब हम फ्लॉक्यूल्स पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तुरंत फ्लॉक्यूल ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स आपस में इसको जोड़ के रखता है। अगर अप्लाई किया हुआ शेयर स्ट्रेस वैन डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा नहीं है तो ये टूटेगा नहीं। अगर शेयर स्ट्रेस वैन डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा होगा तभी ये टूटेगा। अगर सपोज अप्लाइड शेयर स्ट्रेस वैन डेर वाल्स फोर्स से कम है तो ये ब्रेक होंगे लेकिन पूरा ब्रेक नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा दूर जाएंगे, पूरे ब्रेक नहीं होंगे। जब शियर स्ट्रेस फोर्स ऑफ फ्लक्चुएशन यील्ड वैल्यू इसको बोलते हैं, जब शियर स्ट्रेस यील्ड वैल्यू पे पहुंचेगा, यील्ड वैल्यू का मतलब है शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक फ्लक्चुएस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो फोर्स से जुड़े हुए हैं इस फोर्स को अगर हम ब्रेक करेंगे शियर स्ट्रेस से अप्लाई करके मोर देन यील्ड वैल्यू, जब शियर स्ट्रेस यील्ड वैल्यू पे पहुंचेगा तब ये फ्लॉक्यूल्स टूट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स में बदल जाएंगे। और पार्टिकल इंडिविजुअल है तो इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से पार्टिकल्स दूर दूर है, इनमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इनकी दूरी जब दूर दूर हो जाते हैं इस तरह से फ्लो कॉज होगा। तो इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स फ्लो करने में इजीली हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे प्लास्टिक मटेरियल तभी फ्लो करेंगे जब स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, तभी हमारे प्लास्टिक मटेरियल फ्लो करेंगे। नाउ हियर वी कैन सी द इक्वेशन जो प्लास्टिक फ्लो को डिस्क्राइब करती है। इसके लिए इक्वेशन है यू इक्वल टू एफ माइनस एफ बाय जी। तो U क्या है हमारा, प्लास्टिक फ्लो है, F है हमारा यील्ड वैल्यू, F है शियरिंग स्ट्रेस एंड G है रेट ऑफ शियर। सो हियर आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर व्हिच वाज प्लास्टिक फ्लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू ऑल।